भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच मुंबई के ब्रैबॉर्न स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम की आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उसी समय उन्होंने कह दिया था कि आज का मैच हाई स्कोरिंग होने वाला है। बता दें आपको कि शुरुआत में शिखर धवन और रोहित शर्मा की शानदार 71 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद शिखर धवन की विकेट पॉल ने ली और विराट कोहली भी 101 के स्कोर पर चलते बने, जिसके बाद अंबती रायडू और रोहित शर्मा ने पारी को संभाला और दोनों की साझेदारी 200 के पार की हो गई है। बड़ी बात यह है कि यहां पर इन्होंने शानदार तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई और रोहित शर्मा का अर्धशतक इसी बीच कंप्लीट हो चुका है। भारत का स्कोर 43 ओवर में 304 पर 2 है और भारत की नजर 360-370 के आसपास की है। रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक 132 गेंदों में जड़ा, जिसमें उन्होंने 20 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां से भारतीय टीम और कितने लंबे लंबे छक्के मारकर कितने स्कोर तक पहुंचती है। रोहित शर्मा का साथ अंबती रायडू भी बेहद शानदार तरीके से दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।